गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सतनाम एंड आई वेलकम यू ऑल इन द यूट्यूब चैनल ऑफ माता मोहनदाई ओसवाल पब्लिक। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट है प्रोटोजोन प्रोटेस्ट, इसमें जो लास्ट टाइप है इसकी वो है स्पोरोजोआ। कौन सी वाली टाइप है इसकी? स्पोरोजोआ, जिसमें हमने स्पोरो जो है वो क्या है? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मीन्स विच लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब एंडोपैरासाइट में जो इसकी एग्जांपल है स्पोरोजोआ की, वो है प्लाज्मोडियम, विच इज मलेरियल पैरासाइट, यानी कि जो हमें क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। जो प्लाज्मोडियम है इसकी स्पीसीज है अलग अलग, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया स्पीसीज। राइट नाउ यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया? स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज है? एक तो प्लाज्मोडियम बायवैक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरा प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम, चौथा जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये इसकी क्या है? अलग अलग स्पीसीज। अब देखो, जो प्लाज्मोडियम है इसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या है? डाइजेनेटिक। क्या है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक आपको पता है कि इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। पहला वाला होता है एक प्राइमरी होस्ट, एक क्या होगा? प्राइमरी। और दूसरा क्या होगा? सेकेंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में क्या आएगा? ये देखो, ये साइन है, इसको बोलते हैं फीमेल, ये वाला साइन, दिस इज द साइन ऑफ फीमेल, इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या आएगा? फीमेल एनोफीज, एनोफीज, ये आएगा प्राइमरी में। एंड सेकेंड वन में आएगा मैन। सेकेंड वन में क्या आएगा? मैन। सेकेंड वन में क्या आएगा? मैन। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? दिस इज डायजेनेटिक, मीन्स इट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। इट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। इन प्राइमरी क्या आता है? प्राइमरी में आएगा फीमेल एनोफीलीज एंड सेकेंडरी में क्या आएगा? मैन। अब जो इसका लाइफ साइकिल, तो हमने बात कर ही ली है, इट्स लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन थ्री फेजेस। इसका जो लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन थ्री फेज। तीन फेज में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करनी फर्स्ट फेज की। जो फर्स्ट फेज है इसको हम बोलते हैं स्किजोगोनी। क्या बोलते हैं? स्किजोगोनी। आई एम गोइंग टू राइट हियर, यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मैं फर्स्ट फेज। फर्स्ट जो है स्किजोगोनी, स्किजोगोनी, कई इसको बोलते हैं साइजोगोनी, ऐसे ये क्या है? स्किजोगोनी। अब इस स्किजोगोनी में जो रिप्रोडक्शन होती है, एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज बाय एसेक्सुअल मींस। रिप्रोडक्शन कैसी होगी? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल किसके थ्रू होगी? बाय मल्टीपल फ्यूजन। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया MF, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन। अब स्किजोगोनी जो है, यहाँ पे जो ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है दो फेजेस में करती है, ठीक है। एक तो करेगी लीवर। लीवर कौन सा? मैन। लीवर किस में? मैन में। और सेकेंड वन जो है हमारा आरबीसी। आरबीसी भी किस में? मैन में, ठीक है। अब जो यहाँ पे भी लीवर वर्ड आता है उसको हम बोलेंगे हिपैटिक स्किजोगोनी। क्या लिखेंगे? हिपैटिक, हिपैटिक स्किजोगोनी। और जो आरबीसी, आपको पता आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। इसको क्या लिखेंगे? एरिथ्रोसिटिक स्किजोगोनी। क्या लिखेंगे? एरिथ्रोसिटिक स्किजोगोनी। क्या लिखेंगे? एरिथ्रोसिटिक स्किजोगोनी। अब जो इसकी जो फर्स्ट थी लाइफ साइकिल का, फर्स्ट तो हमने कर लिया स्किजोगोनी, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मीन्स मल्टीपल फ्यूजन। एंड इसकी दो पार्ट से, सबसे पहले क्या था? लीवर एंड सेकेंड वन इज आरबीसी। लीवर को हम बोलते हैं हिपैटिक स्किजोगोनी एंड आरबीसी को एरिथ्रोसिटिक स्किजोगोनी। अब दूसरा जो है सेकेंड वन इज जो इसका लाइफ साइकिल दूसरे में जो कम्प्लीट, हमने कहा ना लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन थ्री फेजेस एंड सेकेंड फेज इज गैमोगोनी, दैट इज गैमोगोनी। नाउ इन दिस गैमोगोनी इसमें क्या है? इट स्टार्ट्स इन ह्यूमन बट इट इज कम्प्लीटेड इन फीमेल एनोफीलीज। ये माइंड में रखना, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। इट स्टार्ट्स इन ह्यूमंस एंड कंप्लीटेड इन फीमेल। दिस इज द साइन
और फीमेल, फीमेल एनाफेज। देखो ह्यूमन में स्टार्ट होती है बट खत्म कहाँ पे होती है, फीमेल एनाफेज में, वो हम बाद में करेंगे ठीक है, कि हाउ इट कंप्लीटेड इन फीमेल एनाफेज। एंड द थर्ड फेज ऑफ दिस लाइफ साइकिल इज स्पोरोगोनी, थर्ड फेज इज स्पोरोगोनी। इन स्पोरोगोनी इट कंप्लीटली टेक्स प्लेस इन फीमेल एनाफेज, इट कंप्लीटली टेक प्लेस इन फीमेल एनाफेज, इट कंप्लीटली टेक्स प्लेस इन फीमेल एनाफेज। नाउ दीज आर द थ्री फेजेस ऑफ स्लाइस साइकिल। फर्स्ट वन इज अ स्कीजोगोनी इन विच ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। नाउ दिस स्कीजोगोनी इज टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी, हमने यहाँ पे मैंशन किया ना गैमोगोनी में कि इट स्टार्ट इन ह्यूमन बट कम्प्लीटेड इन फीमेल एनाफेज, एंड स्पोरोगोनी में इट कम्प्लीटली टेक्स प्लेस इन फीमेल एनाफेज, बट स्कीजोगोनी इट टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी, विच सेल्स, लीवर एंड आरबीसी। लीवर इज कॉल्ड हिपैटिक स्कीजोगोनी एंड आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी। दीज आर द लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल्स फेजेस। राइट नाउ अभी हमने जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज द सिम्टम। अब हमने इसकी फेजेस को पढ़ लिए, आफ्टर दैट सिम्टम्स, सिम्टम किस चीज के, मलेरिया के सिम्टम्स। आपको पता है इन मलेरिया फर्स्ट स्टेज जो होती है इसकी, फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, चिल्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होती है मलेरिया की, दैट इज कॉल्ड चिल्ड स्टेज। सेकेंड जो होता है, सेकेंड इज हॉट फीवर, सेकेंड इज हॉट फीवर। एंड थर्ड स्टेज इज स्वेटिंग, थर्ड वन इज स्वेटिंग, थर्ड वन इज स्वेटिंग। दीज आर द सिम्टम्स, फर्स्ट वन इज चिल्ड स्टेज, सेकेंड वन इज, यानी कि पहले क्या होगा बहुत ज्यादा ठंड, चिल्ड स्टेज, सेकेंड वन बहुत ज्यादा हाई फीवर, एंड थर्ड वन पे हमें क्या होना चाहते, स्वेटिंग। अब देखो बिकॉज ऑफ दिस हमें क्या होगा, देखो जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हाई फीवर, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई फीवर अ केमिकल दैट इज कॉल्ड हीमोजोइन इज रिलीज्ड। आई एम गोइंग टू राइट हियर, अ केमिकल कॉल्ड हीमोजोइन is released because of high fever, because of high fever a chemical called hemozoin is released. Now this is the life cycle, what happens in the life cycle, first of all the infected stage is called sporozoite, what we call it sporozoite, it enters our body, yani ke jo sporozoite hai it enters our body. What is sporozoite? Sporozoite is the saliva of mosquito, स्पोरोजोइट इज द स्लाइवा ऑफ मेस्किटो, एंड वेयर इट इट एंटर्स, ये कहाँ जाएगा, लिवर, कहाँ जाएगा, लिवर में, कहाँ जाएगा, लिवर में, मीन्स स्पोरोजोइट एंटर्स इन लिवर, इन लिवर दे मल्टीप्लाई, वहां पे जाके इन्होंने क्या करना, दे मल्टीप्लाई एंड लिवर सेल्स क्या करेंगे, रप्चर, लिवर सेल्स ने क्या करना है, रप्चर हो जाना है, एंड फ्रॉम दिस स्टेज यू कैन से देन दिस स्टेज which emerge into RBCs, which emerge into, अब ये क्या करना है, ये वाली जो स्टेज है, स्टेज which emerge into RBCs, ये किसमें करेगी, आरबी, देखो हमने लीवर का फर्स्ट पढ़ लिया, अब इसने कहां एंटर करना है, आरबीसीज में एंटर करना है, आरबीसीज में एंटर करने के बाद फीड ऑन हीमोग्लोबिन, ये क्या करेंगे, दे फीड ऑन हीमोग्लोबिन, देन दे रप्चर द आरबीसीज, then they ruptures the RBCs, जब ये RBCs rupture करेंगे ना, hemozoin is released, which is the chemical that we already discussed, it is released, कब रिलीज होता है, second stage में, second stage कौन सी, high fever में ये released होता है, देखो first of all liver cells rupture हुए, after that ये कहाँ जाएंगे, RBCs में, after that इसने कहाँ enter किया, RBCs में enter किया, in RBCs they feed on hemoglobin, किसके ऊपर feed करते हैं, खाना कहाँ से लेते हैं, hemoglobin से, then RBCs क्या हो जाएंगे, rupture and hemozoin is released, and hemozoin is released, यहाँ पे mention, मैंने mention कर दिया कि hemozoin released, ठीक है, hemozoin release कब होते हैं, जब RBCs क्या करेगी, rupture करेगी, अब hemozoin जो है, that is a pyrogen,
इसको हम क्या बोलते हैं, प्लीज कीप इट इन योर माइंड दैट हीमोजोइन इज अ पायरोजन. ये क्या है हमारा पायरोजन. पायरोजन क्या होता है, फीवर कॉजिंग सब्सटेंस. पायरोजन इज फीवर कॉजिंग सब्सटेंस. पायरोजन इज फीवर कॉजिंग सब्सटेंस. हीमोजोइन इज अ पायरोजन. पायरोजन इज फीवर कॉजिंग सब्सटेंस. सो व्हेनेवर दिस हीमोजोइन इज रिलीज द पर्सन शो सेकेंड स्टेज दैट इज द हॉटेस्ट स्टेज एंड हाई फीवर स्टेज. ठीक है, जब भी हीमोजोइन रिलीज होएगा पर्सन कौन सी स्टेज पे होएगा, सेकेंड स्टेज पे होएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई फीवर स्टेज या हॉट फीवर बोलते हैं. ओके, यानी कि सेकेंड स्टेज पे. अब इसके बाद क्या होगा, हीमोजोइन में रिलीज होगा, ये कहां कौन सी स्टेज है हमारी, यहाँ पे सेकेंड स्टेज. कौन सी स्टेज है, दिस वन इज अ सेकेंड स्टेज. अब इस सेकेंड स्टेज के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो हमारे जो हीमोजोइन है वो क्या होता है, दैट इज डिस्ट्रॉयड. सम आफ्टर सम टाइम व्हेन हीमोजोइन इज डिस्ट्रॉयड, थोड़ी देर के बाद उन्होंने डिस्ट्रॉयड भी होना है. ठीक है, देन दिस फीवर क्या हो जाएगा, उस टाइम क्या हो जाएगा, जब ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, देन दिस फीवर इज सब्साइडेड विद. थर्ड स्टेज कौन सी थी, स्वेटिंग. तो फिर हमें क्या हो, थर्ड स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब हीमोजोइन डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, तो थर्ड स्टेज कौन सी है हमारी, हम स्वेटिंग में आ जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द पिक्यूलर सिम्टम व्हेन वी सी मलेरिया. ओके, ये हमने सिम्टम्स की बात कर ली, तो उसके बाद हमने लाइफ साइकिल देखा. फर्स्ट वन क्या था, इन्फेक्टेड स्टेज इन विच स्पोरोजोइट एंटर्स इनटू आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड लिवर. इन लिवर दे मल्टीप्लाई एंड रप्चर द लिवर सेल, आफ्टर दैट इट इमर्ज इनटू आरबीसीज. इन आरबीसीज दे फीड ऑन हीमोग्लोबिन एंड दे रप्चर द सेल्स ऑफ आरबीसीज. ठीक है, आरबीसीज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हीमोजोइन इज रिलीज्ड एंड this hemozoin is a pyrogen which is a fever causing substance and this one is a second stage and when these hemozoin kya ho jayenge destroyed to us time kya hone third stage start that is called sweating. theek hai, ab iske baad ye to hamari thi stages. iska jo malaria ka treatment hai wo hum kaise karte hain, dekho malaria ka treatment jo hai, just listen to me very carefully, malaria ka treatment hum do way se karte hain, two ways hai for the treatment of malaria. first one is pathogenic and second one is सिम्टम टारगेटिंग ट्रीटमेंट. देखो जब हम पैथोजेनिक की बात करते हैं तो वहां पे हमने एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है, हमने पैथोजेंस को देखना है कि हम पैथोजेन को कैसे खत्म कर सकते हैं. ठीक है, वी हैव टू टेक द मेडिसिन विच वुड किल द पैथोजन. जब हम पैथोजन को देखेंगे हमें उस हिसाब से मेडिसिन लेनी है कि वो हमारे जिसे ने हमें डिजीज कॉज किया हम उसी को खत्म कर दें, हम उस हिसाब से लेंगे. तो हम क्या ले सकते हैं, हम क्यूनीन ले सकते हैं. अभी तो आई थिंक क्यूनीन नहीं है, अभी तो बंद है, पहले क्यूनीन लेते थे. ठीक है, अगर हम सिम्टम्स टारगेटिंग की बात करेंगे उसमें हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किसको देखेंगे, हमारे फीवर को खत्म करने के लिए लेंगे. वी कैन टेक एंटीपायरेटिक ड्रग्स लाइक क्रोसिन ले सकते हैं विच ब्रिंग डाउन आर फीवर. तो एक तो था क्या था, हमारा पैथोजेन को खत्म करने के लिए हम वो वाला ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यानी कि हम पहले क्यूनीन वगैरह लेते थे. बट अगर हम बात करें दूसरा जो हमारा टारगेट है, टारगेट किसी सिम्टम, हमारे सिम्टम्स को देख के, यानी कि अगर हमें फीवर हो रहा है, फीवर हमारा सिम्टम है, उसको खत्म करेंगे तो हम एंटीपायरेटिक ड्रग ले सकते हैं विच ब्रिंग डाउन द फीवर. दैट इज ऑल अबाउट द क्या था, प्लाज्मोडियम. दैट इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. एंड ये हमारा जो स्पोरोजोआ था दैट इज All about it. अब हमारा ये वाला जो स्पोरोजोआ अब खत्म हो गया प्रॉपर, यानी कि हमारे जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो पार्ट था दैट इज ऑल ओवर. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट दैट इज स्लाइम मोल्ड डीकम्पोजर्स के बारे में. थैंक यू ऑल.